मेट्रो रेल कंत्राटी कर्मचारी संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, लघु अवकाश जैसी सभी सरकारी छुट्टियां मेट्रो में संविदा कर्मचारियों पर लागू की जाए। मेट्रो प्रशासन को दुकानों और प्रतिष्ठान संवर्गों में दरें रद्द करनी चाहिए और यूनियन के साथ वेतन समझौता कर वेतन वृद्धि तय करनी चाहिए। मेट्रो में शिक्षित संविदा कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिया जाए, ऐसी मांगों को लेकर मेट्रो कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। लेबर कमिश्नर ने याच्याकडे सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने याची दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला, तरी सुद्धा मेट्रो प्रशासनाने यांच्या विरोधात जाऊन हायकोर्टामध्ये गेल्या एका वर्षापासून स्टे ठेवलेला आहे। आम्ही राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार चला ठीक आहे, आम्हाला दुकान आणि आस्थापना हा नियम लागू होत नाही, तो रद्द करून आम्हाला दुसऱ्या प्रवर्गात टाकून आम्हाला कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असलेला दूर करण्यात यावा, असं वारंवार पत्र देऊन सुद्धा त्यांनी दखल न घेता आम्हाला आज रस्त्यावर उतरण्याची पाळी आज संघटनेच्या वतीने करावी लागली। इथल्या नागरिकांना त्रास, त्यांनी हा विचार करावा की जितक्या लवकर आमच्या मागण्या पूर्ण होतील तितक्या लवकरच मेट्रो आणि नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही। शेवटी आमच्या जर मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर आम्ही अजून कडक आंदोलन करणार आहोत। सगळ्या आमच्या संघटना याबद्दल शासन। तुमचं नाव? माझं नाव रोहित नारनवरे, उपाध्यक्ष नागपूर मेट्रो रेलवे कंत्राटी कर्मचारी संघ। मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी आंदोलकों की ओर से प्रशासन को दी गई है। कैमरा पर्सन अजीत कुवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।